छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद पंजाब कैबिनेट मंत्रीगण, हमारे राज्यसभा सांसद श्री राघव चड्ढा जी, मंच पे मौजूद हमारे सभी MLAs, पंजाब सरकार के सभी अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। दोस्तों, आज ये CMD योगशाला का शुरुआत करने के लिए मान साहब ने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली के अंदर गवर्नेंस में बहुत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और उसमें कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जिसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती जा रही है और दिल्ली से सीख के देश भर के अंदर ये प्रयोग जगह 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 फैल रहे हैं। उसी में एक प्रयोग था लोगों को योगा कराने का, तो आज पंजाब के अंदर CMD योगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। अगर आप 25 लोग कहीं भी इकट्ठे होके योगा करना चाहते हैं, 25 लोग, अगर 4-5 लोग होंगे और उसके लिए टीचर भेजना तो महंगा पड़ेगा सरकार को, तो अगर आप 25 लोग मिलके अपने मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर अगर 25 लोग मिलके योगा करना चाहते हैं तो ये जो आज फोन नंबर जारी किया जा रहा है, इस फोन नंबर पे एक मिस कॉल करो और वहां पे अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दो, नंबर लिखवा दो। पंजाब सरकार आपको फ्री में योगा टीचर प्रोवाइड करेगी। डेली सुबह आके टीचर आपकी सुविधा के अनुसार, जितने बजे आपको सुविधा होगी उतने बजे पंजाब सरकार से एक टीचर आके आपको फ्री में योगा सिखाएंगे। ये आज पहला फेज है, केवल 4 शहरों में आज शुरू कर रहे हैं, फगवाड़ा, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, एम आई राइट, इन 4 शहरों में आज से शुरू कर रहे हैं। थोड़े दिन के बाद जब यहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा, इससे जो सीखने को मिलेगा उसके बाद धीरे 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 करके पूरे पंजाब में, हर पिंड में, हर गली में, हर मोहल्ले में पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा करवाएंगे, फ्री में योगा करवाएंगे। दिल्ली में भी हम लोगों ने इसी तरह से शुरू किया था। धीरे धीरे करते करते दिल्ली में 17,000 लोगों ने डेली सुबह योगा करना चालू कर दिया, 17,000 लोगों ने, और लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। योगा से शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं लगती, चुस्ती रहती है, और योगा के अंत में थोड़ा सा ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, सांस की एक्सरसाइज कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, लोम विलोम कराते हैं, उससे आदमी को बहुत मानसिक शांति मिलती है। तो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर भी फैल रहा था और जैसा भी मान साहब ने बताया, एक दिन LG साहब ने दिल्ली के अंदर योगा रोक दिया। कोई बात नहीं, रोक दिया, जरूर दोबारा जरूर चालू होगा योगा। अच्छी चीजों को कोई रोक नहीं सकता, है कि नहीं है? अच्छी चीजों को कोई रोक नहीं सकता, LG साहब ने रोक दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली में दोबारा चालू करेंगे, कभी ना कभी जरूर चालू करेंगे। लेकिन तब तक ऊपर वाले ने, जब तक उन्होंने दिल्ली में योगा रोका, तब तक ऊपर वाले ने हमारी पंजाब में सरकार बना दी, तो हमने पंजाब में योगा शुरू कर दिया।
कहां कहां रोकोगे, अच्छा काम तो कोई रोक नहीं सकता। काम रोकने वाले से काम करने वाला ज्यादा बड़ा है। वो काम रोक रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम चल रहा है। जैसा भी मान साहब ने आपको स्टेटिस्टिक्स बताए कि 504 मोहल्ला क्लिनिक अलग अलग इलाकों में शुरू हो गए। ये अभी केवल शुरुआत है। 504 शुरू हो गए, अभी अपने को 3-4 हजार मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में खोलने हैं। हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा, आपका सारा इलाज उसमें मुफ्त होता है। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, वहां सारी दवाइयां मुफ्त होती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं, डॉक्टर मुफ्त होता है, सलाह मुफ्त होती है। लेकिन हम चाहते हैं आपको मोहल्ला क्लिनिक जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम क्यों बीमार हों? मोहल्ला क्लिनिक तो तब जाएंगे ना जब बीमार होंगे। हमें अगर योगा रोज करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, और अगर बीमार नहीं होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज हम कोशिश ये करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप बीमारी ना पड़े। लेकिन बीमारी का क्या पता, वो जिंदगी है, कभी भी बीमारी आ सकती है। अगर बीमारी आई तो आपकी अब ईमानदार सरकार है पंजाब के अंदर, वो सरकार आपके लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक भी खोल रही है, और आपकी सरकार जितने अस्पताल है, सारे सरकारी अस्पताल, उनको भी बहुत अच्छा किया जा रहा है धीरे धीरे। ताकि मोहल्ला क्लिनिक में तो छोटी छोटी बीमारियों का इलाज होता है, अगर कोई बड़ी बीमारी लग गई तो आपके जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनको भी शानदार बना रहे हैं, वहां भी आपका सबका सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, कितनी भी महंगा ऑपरेशन हो, कितना भी महंगा इलाज हो, धीरे धीरे करके पंजाब के सारे सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा कर देंगे कि आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले एक साल के अंदर कई सारे काम किए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जो काम पंजाब के अंदर हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है। पिछली सरकारों के टाइम पे इतना बुरा हाल था पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का, इतना बुरा हाल था। जब सरकार संभाली तो पता चला इतने गैंगस्टर्स चारों तरफ, इतने अपराधी थे चारों तरफ। पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का, उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते, हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। पंजाब के अंदर सुनते थे कितने सालों से बेअदबी का, इंसाफ नहीं मिल रहा था। सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, चलान पेश नहीं किए जा रहे थे, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। सरकार आने के बाद जो SIT बनी थी उसकी, उस SIT को पूरा खुली छूट दी गई, और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चलान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। सुनते थे कि एक SIT बनी थी, उसने नशे के खिलाफ जांच करके 4 लिफाफों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उसको 7 साल हो गए थे, उन 8 साल हो गए थे उन लिफाफों में बंद था कि पंजाब के अंदर नशा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर है। इसकी सरकार आई, उन्होंने भी वो कोर्ट को कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। उनकी सरकार आई, उन्होंने भी कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। हमारी सरकार आई, हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। अभी पिछले एक महीने से आप लोग देख रहे हो किस तरह से मान साहब ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ और बड़े कठोर कदम उठा के
ये मैसेज दे दिया कि पंजाब की शांति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना खूंखार आदमी हो और चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो। पंजाब की शांति के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पिछले एक हफ्ते से आप लोग देख रहे हो, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से खबर आ रही है, रामनवमी के मौके पे पता चल रहा है वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए। पंजाब में एक भी दंगा नहीं हुआ, पंजाब में शांति है। तो आज जो हमने पुरानी पार्टियों से पंजाब संभाला था, लिया था, उस वक्त बहुत सारी समस्याएं थी। मैं ये नहीं कहूंगा सारी समस्याओं का समाधान हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हर क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन पिछले एक साल में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जितना काम हुआ है वो काफी काम है, और आगे और काम करना है। लेकिन अच्छा काम होगा, सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार और अच्छी नीयत की सरकार है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने, अभी मान साहब ने बताया, पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिजली मुफ्त हो गई है, लगभग 80% से ज्यादा पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई है। पहले जितने चुनावी वादे होते थे वो आखिरी साल में याद आते थे, हमने एक 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 चुनावी वादा अपना तुरंत हमने चालू करना, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। अभी मैं मान साहब को सुन रहा था, जिस तरह से, जिस भावना के साथ और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, खासकर युवाओं के लिए, वो बहुत ही दिल को छूने वाली थी। ये बातें बनावटी नहीं हो सकती, ये बातें कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके माँ बाप बहुत बड़े पहले से पॉलिटिशियन थे, उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, फिर उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, कोई राजे महाराजे थे उनके बच्चे पॉलिटिशियन बने, उनको क्या पता कि आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। भगवंत मान एक आम छोटे से टीचर का बेटा है, भगवंत मान ने अपने बचपन में किसानी करी है, उसको पता है कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे जी जाती है, उसे पता है कि पंजाब के अंदर एक पिंड के अंदर जब एक आम आदमी अपने परिवार को पालता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवाओं के क्या क्या समस्याएं हैं, युवाओं के क्या क्या सपने हैं, जो बातें उन्होंने रखी। और मेरे से अभी आते टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बच्चों को, अपने युवाओं को बसें दे दें। एक बस के ऊपर उनका कहना था कि 4 बच्चे काम कर सकते हैं, एक एक बस का लाइसेंस दे देंगे, 4-4 बच्चों को दे देंगे, और बोले कितने हजार बच्चों को इस तरह से रोजगार मिल सकता है। अब अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और आपके साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए आपका बड़ा भाई भगवंत मान यहां बैठा है, वो सारे सपने पूरे करेंगे। उन्होंने आपको एक बस चलाने से लेकर और जोमैटो और फ्लिपकार्ट तक के सपने दिखाए हैं, आप सपने देखिए, वो सारे सपने पूरे करेंगे। आपके हाथ में, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में नशे की पुड़िया हो, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में गन हो, आपके हाथ में हम रोजगार देना चाहते हैं, आपके हाथ में हम किताब देना चाहते हैं, हम आपके हाथ में कलम देना चाहते हैं, हम आपके हाथ में विकास देना चाहते हैं। तो ये मौका है, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका हम लोगों को भेजा है कि एक ईमानदार सरकार आज पंजाब के अंदर है,
दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, और बस आपका इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और इस वक्त जितने लोग टीवी के ऊपर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं 25-25 लोग इकट्ठे हो जाओ, इस मौके का फायदा उठाओ, योगा क्लासेस को ज्वाइन करो। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं बहुत मजा आएगा। अभी शायद केवल सुबह शुरू कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने सुबह और शाम को शुरू कर दी थी। महिलाओं को सुबह दिक्कत होती थी क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों को सवेरे सवेरे स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है, तो महिलाएं शाम को किया करती थी, उनको सहूलियत। तो जो जहां जैसे चाहता था, जितने बजे कोई कहे मेरे को इतने बजे क्लास करनी है, 25 लोग हैं, हम वहां पे उतने बजे क्लास कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।